हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल अनुलेखा किचन रेसिपी। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ। आज मैंने आपके साथ शेयर की है मोमोज़ की सबसे फेमस चटनी, लाल कलर की जो चटनी होती है, जिसके बिना हमारे जो मोमोज़ हैं ना वो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगते हैं। जो चटपटा सा जो स्वाद आता है ना मोमोज़ का, वो इसी चटनी के साथ आता है। तो चलिए देखते हैं रेसिपी। यहाँ पर मैंने लिया एक पैन, इसमें मैंने पानी ले लिया था 1 कप लगभग, और इसमें मैंने ली है लाल मिर्च। आप सूखी जो लाल मिर्च रहती है उसे आप इस पानी में थोड़ा सा उबाल लीजिए ताकि ये पीसने में इजी हो जाए। इसी के साथ हम टमाटर को भी बॉईल कर लेंगे। टमाटर को आपको देखना है कि ऐसी स्किन अगर टमाटर की निकलती है तो टमाटर भी हमारे हो चुके हैं। और अब हम इसे ठंडा करके एक पेस्ट बना लेंगे। अब उसी पैन में मैंने लिया है 2 चम्मच तेल, और ये तेल गरम होने तक मैं पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने लिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट। तेल गरम हो चुका था, जो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया, और इसमें डाल दिया मैंने प्याज का पेस्ट। 1 बड़ा प्याज लिया है, उसका पेस्ट करके आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। और इसे अच्छे से मैं कर दूँगी फ्राई। मीन्स आपको ऐसे भूनना है इससे कि इसमें तेल छोड़ दे और इसका जो लहसुन अदरक का स्मेल वो चले जाए। तो देखिए लगभग इसमें प्याज ने और लहसुन अदरक ने तेल छोड़ दिया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो मैंने पीस के जो चटनी रखी है ना, हाँ ये देखिए मिक्सी में जो पीस के मैंने चटनी रखी है अब वो ऐड कर दूँगी। मैंने जो लाल मिर्च और टमाटर के जो मैंने बॉईल करके रखा था उसका पेस्ट मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए अब इसे भी हमें जब तक पकाना जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे। अब इसमें मैं हल्का सा डाल दूँगी नमक, और इसमें हल्का सा मैं डाल दूँगी लगभग ½ टीस्पून सोया सॉस, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। ये देखिए कलर भी फाइन हो गया है। अब और अच्छे से हम इसे पका लेंगे। अब इसे देखिए इसमें बहुत ज़्यादा थिकनेस है, अगर आप इसे थोड़ा सा पानी डाल के पतला करिएगा तो जो मिक्सी जार का है ना पानी डाल के, जो मिक्सी जार में बचा उसी को पानी डाल के मैं इसमें डाल दूँगी। अभी भी थोड़ी ज़्यादा थिकनेस है तो हम इसे भी थोड़ा सा और पतला करेंगे। पहले इसे हम पका लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसे थोड़ा पतला करते हैं। तो ये देखिए बढ़िया सा आ गया है कलर, लगभग ये पक चुका है। अब इसमें मैं थोड़ा सा स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें मैं अजीनो मेटो डालूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, पर ये डाल देंगे तो इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो ये मैंने डाल दिया अजीनो मेटो। अब मैं इसे चला के अच्छे से पका लूँगी। तो देखिए कितना फाइन कलर आ गया है। इसमें हल्का सा पानी मैं और ऐड कर दूँगी ताकि इसमें थोड़ा सा पतला हो जाए। ये देखिए अब इसे हम पका लेंगे। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी अदर वीडियोस हैं, उसे भी आप जाके प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशनल मिलता रहे वीडियो बनाने के लिए। और ये देखिए चटनी है रेडी। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक बर्तन पर। तो ये देखिए मेरी हो गई है चटनी रेडी। तो अब इसे आप मोमोज़ के साथ आराम से बैठ के ठंड में मोमोज़ का मज़ा लेके इसे खाइए, और कमेंट्स करके ज़रूर लिखिएगा कि ये कैसी रही। तो बाय दोस्तों।